कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धरने पर बैठे खिलाड़ियों का समर्थन कर बड़ी बात कह दी है। प्रियंका गांधी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर दिल्ली पुलिस और सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि आखिर दिल्ली पुलिस पर किसका दबाव है और क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा, खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वो पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है, देश मुस्कुरा उठता है। महिला खिलाड़ियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है, वो देश की संसद के बगल की सड़क पर आंखों में आंसू लिए बैठी है। लंबे समय से चल रहे शोषण के खिलाफ उनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा। मजबूत बाजुओं मगर भोले दिल की इन लड़कियों ने यकीन किया कि जब इनसे सरकार ने कहा कि जांच होगी मगर जांच नहीं हुई, सजा का प्रश्न ही नहीं उठा। क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती है जिसका दबाव है दिल्ली पुलिस पर? क्यों इसी पुलिस द्वारा विपक्ष के नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा में किसी लड़की का दर्द सुनने पर पूछताछ की जाती है मगर देश का मान बढ़ाने वाली लड़कियों की गुहार अनसुनी कर दी जाती है? एक पार्टी और उसके नेताओं का घमंड जब आसमान चढ़ जाता है तब ऐसे ही आवाजों को कुचला जाता है। आइए अपनी इन बहनों का साथ दें, ये देश के मान की बात है। आपको बता दें कि देश के कई जाने माने पहलवान पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जिनमें कई बड़ी महिला पहलवान भी शामिल हैं। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने पर ही वे धरना स्थल से हटेंगे। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.